पर जन्म हुए, बोले ब्रज में जन्म हुए हैं, ये राधा रानी कह रही हैं। बोले पितामह ब्रह्मा, ये भी झूठ नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा स्तुति का जो पहला श्लोक है, बोले नौ मिटते अप्रभु से तैताम्बराय कुंजाब तंस करिति चल सत्मुखाय। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण कौन है, बोले पशुपान जाय। पशु को मतलब पशु को मतलब जो पशुओं को पालन करने वाले, बोले पशुओं को कौन पालन करते थे, नंद करते थे ना, वसुदेव करते थे, बोले ये श्री नंद बाबा करते थे, बोले उनकी अंग से जो जन्म हुए हैं, बोले कौन, बोले किसी कृष्ण के नहीं, श्री वसुदेव महाराज हैं, श्री वसुदेव। जब श्री गर्गाचार्य जब नामकरण करने के लिए गोकुल में आए, कृष्ण का जब नामकरण कर रहे हैं, वो श्री नंद बाबा को कह रहे हैं, बोले नंद बाबा, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तपात्मज। यदि ये बेटा किसका है, बोले ये तपात्मज, ये तुम्हारी बेटा है, लेकिन क्वचित वसुदेवस्य, ये कभी वसुदेव का भी लाला बना है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, वसुदेव, इसलिए एक नाम वसुदेव होगा, लेकिन बेटा किसका है, बोले कुती जात तबाद मज, ये तुम्हारी बेटा। कहते श्री श्री सुखदेव गोस्वामी जब नंद महोत्सव का वर्णना कर रहे हैं, नंद महोत्सव का जो पहला श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना है, इसलिए क्यों कह रहे हैं, बोले श्री नंद बाबा ये जो बेटा है ना, नंदस्तु आत्मद जाता लाल महामना, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कोई कहते वसुदेव का आनंद भयो नहीं कहते, क्या किसका आनंद भयो, नंद की, क्योंकि ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते नंदस्तु आत्मज, ये नंद की आत्मज मतलब आत्मा से जो जन्म हुए हैं, इसलिए उनको नंदस्तु आत्मज बताए गए, इसलिए ये लोग तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, ये लोग तो झूठ। लेकिन जो एक श्लोक भागवत में जो कुंती स्तुति है, इसी श्लोक को आधार करके जितने अगर गुरु वैष्णव के अनुगत के बगैर जो वो श्लोक को पढ़ेगा ना, बोलेगा सीधा बोलेगा ये तो वसुदेव का बेटा वासुदेव है। इसमें क्या कहते हैं कुंती, क्या कहती है, कहते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती कह रही है, क्या कहती है कुंती, कहते बोले कृष्णाय वासुदेवाय, बोले ये कौन है, बोले कृष्ण है, बोले है कौन, बोले वासुदेवाय, इसका नाम क्या है, बोले श्री वासुदेव। वासुदेव क्यों नाम पड़ा, बोले वसुदेव का बेटा वासुदेव पड़ा, इसलिए सारा दुनिया कहेगा देखो ये प्रमाणित श्लोक है, ये कुंती कहती है कृष्णाय वासुदेवाय, लेकिन देखो उसको आगे क्या कहते हैं, हैं उसमें यहाँ पर जो वासुदेवाय शब्द बोले तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते भैया या तो कहते वासुदेव का बेटा, वसुदेव का बेटा वासुदेव, कहते नहीं, कहते आठ वसु है, कहते आठ वसु में जब श्री नंद बाबा आए, कहते आठ वसु में जो मेन वसु है उन्होंने श्री नंद बाबा में प्रवेश किया है, इसलिए नंद बाबा को भी एक वासुदेव कहते हैं, इसलिए कृष्णा वासुदेव का मतलब है ये नंद के लाला है। फिर दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, दूसरे अर्थ में बोले कृष्णा वासुदेव देवो की नंदना है, फिर इसको क्या करोगे, यहाँ पर कह रहे देवो की वसु देवो की नंदना है, इसमें कहते देवो का बेटा है, फिर क्या करोगे, बोले नहीं, कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दो नामनी नंद सदा, इसलिए कहते श्री जसोदा का दो नाम था, एक था इनकी देवकी और एक नाम था इनकी जसोदा, ये नंद रानी के दो नाम है, इसलिए यहाँ पर जो वासुदेवाय बोल करके देवकी बोल कर कह रहे हैं वो देवकी नहीं, ये श्री जसोदा को देवकी कह रहे हैं। बोले भैया आप तो खेचाता निकल कर अर्थ कर रहे हो, कोई बोलेगा आप तो खेच कर, नहीं उसका दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, बोले नंद गोप कुमाराय, यहाँ क्लियर कर रहे हैं, यहाँ क्लियर करके कह रहे हैं, बोले ये कौन है, बोले नंद गोप कुमाराय, बोले ये नंद के लाला है, नंद के बेटा है, नंद गोप कुमाराय, इसलिए गोविंदाय नमो नमः। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप में प्रमाणित करते हैं ये कृष्ण नंद के लाला है। भले मथुरा में क्या हुआ, भले मथुरा अंश रूप में वहां पर देवकी वसुदेव के कारागार में कृष्ण अंश रूप में प्रकट हुए हैं, वहां पर भी प्रकट हुए हैं, लेकिन
अंश रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप में कृष्ण यही पर ही प्रकट हुए। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग भागवत में ये चीज को क्लियर रूप में ये बात को बताते हैं। यहीं पर जब नंद बाबा रहते थे, वो पांच भाई थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद, नंद। जब से परिजन बाबा श्री नंद बाबा को राजा भी सह करके चले गए, लेकिन चार भाइयों का तो बच्चे, लेकिन इनका कोई बच्चे नहीं। अब ये बड़े दुखी घर में एक लाला होनी चाहिए। तब इनको परिजन बाबा ने आशीश्वर महादेव को पूजा की। पूजा की तो आकाशवाणी हुई, तुम्हारा इतना सुंदर एक नाती होगा ना, पुता होगा, जो कि विश्व ब्रह्मांड में तेरे नाम को उजाला करेगा। परम ब्रह्म स्वयं तेरे तेरे घर में बच्चे बन करके आने वाले हैं। और नंद बाबा जब श्री एकादशी व्रत रखे, एक पुत्र तो एकादशी है, इसलिए अभी यहीं पर ही मैया जसोदा गर्भ धारण करती है, जिसको कभी कर्णपुर कहते हैं, कभी कर्णपुर वर्णना करते हैं। एक दिन मैया जसोदा बड़ी सुंदर एक स्वप्न देखती है। स्वप्न क्या है? स्वप्न महाराज, स्वप्न क्या है? श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन पाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसौ क्रीडांग मयांग लोकते। ब्रह्म मुहूर्त में नंद जसोदा बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, और ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न अक्सर करके सच होता है। अभी नंद जसोदा की आंख खुल गई। नंद बाबा बोले, जसोदे मैंने एक बड़ा प्यारा मैंने स्वप्न देखा। बोले, क्या देखा? मैंने भी एक स्वप्न देखी। पहले आप बताओ अपना स्वप्न की बात। बोले, मैंने देखा तेरे गोद में एक बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा बालक तेरे गोद में पौड़ रहा है। तुम्हारी स्तन पान करते हुए ये दोनों दहार से दूध बह रहा था और कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में एक सुंदर लाला है। नंद बोले, मेरे स्वप्न सुन लो। बोले, बताओ। बोले, मैंने भी स्वप्न देखा है कि ये जसोदा बोले, मैंने भी स्वप्न देखा, एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कपड़ा पकड़ कर कहते, मैया मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को गोद में ले ले। मैंने स्वप्न नहीं लगा, जैसे सचमुच से उसी दिन ही मैया जसोदा गर्भ धारण करती है। सारा ब्रज में हला हो गया, नंद के लाला होने वाले हैं, नंद के लाला होने वाले हैं। अभी सुनंदा, नंद बाबा का जो बहन है सुनंदा, वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी हुई। क्यों? बोले, नंद बाबा आपका लाला होने वाले, लाला होगा ना, मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। इसलिए पहले से आकर 6 महीना से बैठी हुई घर में। अभी लग रहा था मानो आज रात को ही लाला की जन्म हो जाएगा, आज रात को ही कृष्ण जन्म होने से पहले उनने जोग माया में करा, उन्होंने सबको उन्हें सुला दी। लेकिन कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से वहां से तो लेकर के आए, किसको? जोग माया कुमार से श्री कृष्ण को लेकर के आए। और मैया जसोदा ने 2 संतान जन्म दिए, पहले कृष्ण को, उसको बाद में जोग माया को जन्म दी एक सांस में। फिर प्रश्न होता है, अगर जन्म दिया फिर मथुरा से कृष्ण आए, यहाँ पर एक कृष्ण, कृष्ण कितना हो गए? फिर एक कृष्ण कहाँ गए? ये प्रश्न होता है ना, एक कृष्ण गए का? कहते गोकुल में जो कृष्ण ये पूर्ण और मथुरा में जो कृष्ण अंश, लेकिन जो पूर्ण कृष्ण ने क्या किया, वो अंश कृष्ण को अपना अंदर से तदात्मक मिला दिया। लेकिन ये वसुदेव महाराज इस चीज को समझ नहीं पाए। बोले, भैया प्रमाण कहीं है? रुद्र जामल में शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, रुद्र जामल में शंकर जी पार्वती को ये बात कहते। बोले, पार्वती मैंने इस बात को देखा है। बोले, जसोदा नंद पत्नी च सुसुवादे समम, शंकर जी कह रहे हैं, कहते पार्वती मैंने देखा, एक साथ में मैया जसोदा ने 2 संतान जन्म दिया है, पहले कृष्ण को, उसको बाद में जोग माया में जन्म दिया। लेकिन लीने सौदामिनी जथा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही जो पूर्ण कृष्ण को, उलुक कृष्ण, अंश कृष्ण को अपना शरीर में तदात्म मिला दिया। लेकिन मैंने ये बात को स्वयं शंकर जी कहते, मैंने ये चीज को स्वयं देखा। इसलिए सवेरे सवेरे सबके सब जोग माया की मुद्रा में स्वयं हुई। इतने में श्री सबसे पहले नीति खोल दिए सुनंदा की। बोले, भाभी क्या की हालत देखो? उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में एक सुंदर श्याम सलोना सा बड़ी सुंदर बालक पौड़ रहा है और किलकारी बात कर ये खेल रहा था। बोले, भैया किसको पता ही नहीं पड़ो, कहाँ पर लाला को जन्म ले गए हुए, अभी तो सबके सब सोए पड़े हुए। पहले नंद बाबा को जाकर खबर दो, मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। नंद बाबा को देखा तो कहाँ पर वो माला जप कर रहे थे, माला तो जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब है, वो लाला कब है, छोरा कब जन्म लेगो, छोरा कब जन्म लेगो। इतने में
सुनंदा जा करके बोल दिया बोले भैया कमाल है गए हुए इतना बोले तो नंदो ठिकान लगा दो बोले बहन ही बताओ कहाँ गए हुए बोले बताओ तो मिलो मेरे वो मिलो का क्या बताओ बोले लो रमला की हार सुन ले बोले बाबा आप इतने बड़ी किस्मत आते ये रमला का हार पता हो क्या तुम्हें बोले जमुना के बाद इतनी जगह तेरे नाम पर सब कुछ दे दूंगा Gracias.